सब्सक्राइब करें अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही अलग सी और टेस्टी सी मिठाई लेके आई हूं, जिसका नाम है खजूर बर्फी। हाँ फ्रेंड्स, खजूर बर्फी अक्सर ड्राई फ्रूट से बनाई जाती है, काजू बादाम इन से बनाई जाती है, लेकिन आज हम खजूर बर्फी बनाएंगे मूंगफली से। हाँ फ्रेंड्स, ये उतनी ही खाने में टेस्टी होती है, हर किसी के पास काजू बादाम नहीं होते, तो इसलिए मैंने एक ये नए तरीके से बर्फी बनाई है जो खाने में तो टेस्टी है ही और हमारे शरीर के लिए भी काफ़ी हेल्दी है। चलिए हम बनाना शुरू करती हैं। जिसके लिए मैंने एक बाउल खजूर लिया है, जिसके मैंने बीज हटा दिए हैं, मैंने इसके छोटे पीसेस कर लिए हैं, और एक कप मैंने मूंगफली के दाने लिए जिसको मैंने सेक लिया है। फ्रेंड, मूंगफली के दानों को हम थोड़ा कूट लेंगे। इलायची पाउडर लिया है और 1.5 चम्मच मैंने देसी घी लिया है। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई के अंदर हम खजूर डाल देंगे। और खजूर को हम सॉफ्ट कर लेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इनको थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये काफ़ी हेल्दी भी है। खजूर और मूंगफली दोनों ही हमारे शरीर को गर्मी पहुंचाते हैं और इसे ठंड में आप बना के खा सकते हैं, और इसे आप 2 से 3 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब आपका मीठा खाने का मन हो तो आप इसे बना के खा सकते हैं, और ये खाने में फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हम इसमें घी डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप खजूर को जल्दी सॉफ्ट करना चाहते हैं तो आप खजूर को मिक्सी में दरदरा सा ग्राइंड कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करें। ड्राई फ्रूट बर्फी बनती है खजूर से, पर ड्राई फ्रूट हर किसी के पास नहीं होते हैं, इसलिए मैंने ये न्यू रेसिपी मूंगफली से बनाई है। ये मूंगफली से भी उतनी ही टेस्टी लगती है जितनी कि ड्राई फ्रूट से टेस्टी लगती है। देखिए, खजूर हमारे थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसे आलू मैशर से मैश करेंगे जिससे ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए, इस तरह का आलू मैशर ले लेंगे और इस तरह से इसे मैश करेंगे। गैस का फ्लेम हम थोड़ा लो कर लेंगे और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। कभी कभी खजूर काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, कभी थोड़ा हार्ड होते हैं, तो वो सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम लेते हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, ये अच्छे से मैश हो गए हैं। अब आलू मैशर को हम हटा देंगे अच्छे से साफ करते हुए। अब हम इसमें मूंगफली डाल देंगे। मूंगफली को मैंने कूट लिया है, हमें साबुत मूंगफली के दाने नहीं डालने हैं, हल्का सा कूट के डालने हैं, नहीं तो ये बर्फ़ी जो है वो बंध नहीं पाएगी, इसलिए हमें मूंगफली को थोड़ा कूट लेना है। अगर आप पाउडर फॉर्म में भी इसे बनाना चाहते हैं तो पाउडर फॉर्म में भी बना सकते हैं। पाउडर फॉर्म में भी ये बर्फ़ी काफ़ी अच्छी लगेगी और खाने में टेस्टी लगेगी। फ्रेंड्स, आलू मैशर की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये एकदम बंध जाए। ये बर्फ़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही जल्दी बनके ये तैयार हो जाती है, और ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी हेल्दी भी है, और खजूर और मूंगफली दोनों ही हमारे शरीर को गर्मी पहुंचाते हैं, और आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। फ्रेंड्स, अब हम एक थाली लेंगे, उसके अंदर सारा मिश्रण डाल देंगे। और इसे गरम-गरम को ही फ्रेंड्स हमें बांधना है, नहीं तो ये बंधेगा नहीं। हम इसके सिलेंडर शेप में 2 रोल बना लेंगे, आप एक भी बना सकते हैं, मैं इसके 2 रोल बनाऊंगी, 2 भाग में इसे बांट दूंगी। देखिए, 2 भाग में मैंने बांट दिया है। अब हम इसके सिलेंडर शेप रोल बना लेंगे अच्छे से दबाते हुए।
अच्छे से दबाना है फ्रेंड्स, ये एकदम बंध जाना चाहिए, नहीं तो ये बिखर जाएगी आप जब काटेंगे। इसलिए हल्का सा प्रेशर देते हुए आप इसे बांध लीजिए अच्छे से, इसकी एक शेप बना लीजिए। सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं आप, गोल शेप में भी बना सकते हैं, और बर्फी टाइप भी आप इसे बना सकते हैं। देखिए एक मैंने बना लिया है, दूसरा भी हम इसी तरह बना लेंगे। जो मूंगफली के मोटे पीसेज हैं वो नहीं चिपक रहे हैं तो उसे रहने दीजिए, इसीलिए आप मूंगफली को थोड़ा बारीक कूटे। आप देख सकते हैं मैंने दो सिलेंडर शेप में तैयार कर लिए हैं, दो रोल तैयार कर लिए हैं फ्रेंड्स मैंने सिलेंडर शेप में। देखिए अच्छे से तैयार हो गया है, अच्छा सा प्रेशर देते हुए हमें इसे तैयार करना है। अब हम क्या करेंगे, फॉल पेपर लेंगे और उसमें इसे लपेट देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। इस तरह से भी मोड़ सकते हैं आप। देखिए एक तैयार हो गया है, अब दूसरा भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। और इसे इस तरह से बंद कर देंगे ताकि इसमें ठंडी हवा ना जाए, क्योंकि हम इसे फ्रीज में रखेंगे। देखिए फ्रेंड हमारे दोनों रोल तैयार हो गए हैं, अब हम इसे 20 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे। देखिए 20 मिनट हो गए हैं, हमारे रोल जो है अच्छे से जम के तैयार हो गए हैं। अब हम इसे खोल लेंगे। देखिए मैंने इसे खोल लिया है, अब हम इसे कट करेंगे। मैं इसे गोल शेप में कट कर रही हूँ, पहले थोड़ा सा आगे से हम हटा देंगे ताकि ये शेप में आ जाए। ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है फ्रेंड्स, और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, और ये हेल्दी भी है। आप ज़रूर बनाएं। इसी तरह आप अपनी मनपसंद के पीसेस मोटे पतले काट सकते हैं जैसे आपको पसंद हो, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है ये। इसी तरह हम दोनों रोल काट के तैयार कर लेंगे और इसे एक प्लेट में रख देंगे। फ्रेंड्स एक रोल हमने कट कर लिया है, अब दूसरा रोल भी हम कट कर लेंगे, इसे भी खोल लेंगे। और इसे भी आप अपनी मनपसंद के पीसेस में कट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड ये इसी तरह हम सारे पीसेस कट करके तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी खजूर और मूंगफली की बर्फी तैयार है खाने के लिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है और बहुत ज़्यादा दिखने में भी अच्छी लग रही है, और खाने में तो टेस्टी है ही। फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अन्नपूर्णा रसोई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। मैं आपके हर कमेंट का जवाब देती हूँ फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।